हेलो अरविंद, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी आई क्यू। दिस इज विपुल मलिक। और नंबर सिस्टम का आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 9, जिसमें आज हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ साथ हम लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी इसमें आज पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम की सीरीज का ये 9th पार्ट है। इससे पहले 8 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं उनको। और ये जो कोर्स है नंबर सिस्टम का, जो सिलेबस मैंने तैयार किया है, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और उसके अलावा आप जो इनकी लेक्चर्स की PDF लेना चाहते हैं तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया 3.6, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 3.5 होगा या 3.7 होगा, 3.1, 3.2, इनमें से कोई भी इंटीजर है? नहीं है। इसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 3.6 में से ग्रेटेस्ट इंटीजर है 3। 3 के अलावा इसमें इंटीजर उससे छोटा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 3। अब मैं 4 तो नहीं लिख सकता ना, 3.6 से बड़ा हो जाएगा 4, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, मोड एक्स इज इक्वल टू और लेस देन एक्स, समझे आप। तो जैसे कि 2.9 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2, क्योंकि 2 सबसे बड़ा इंटीजर है इसके लिए। और 2.3 में 2, 0.123 इसके लिए 0 इंटीजर सबसे बड़ा है, ये देखिए। 5.8 के लिए 5, यानी कि जो नंबर हम देख रहे हैं उससे छोटा इंटीजर हमको लिखना है। माइनस का 2.4 के लिए क्या होगा? माइनस का 3। यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करते हैं, माइनस का 2.4 का इंटीजर वो क्या कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं -2। लेकिन एक बात सोचिए, -2 क्या है? -2 तो इससे बड़ा है ना, -2 बड़ा होगा, -2.4 बड़ा होगा, -2 बड़ा होगा ना, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है इसका, इसका -3 होगा, क्योंकि इससे हमें छोटा इंटीजर लिखना है। जैसे 2.9 था 2 लिखा, 2.3 था 2 लिखा, हम उसे छोटा इंटीजर लिखते हैं, तो -2.4 से छोटा इंटीजर -3 है, ना कि -2, ठीक है। तो अब सेम इसके लिए बताएं मुझे आप, -1.5 के लिए क्या होगा? -2। अब देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपकी समझ में आ गया। अब हम समझते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर फंक्शन सेम ही होता है, बस एक फ़र्क होता है इसमें, इसमें हम इंटीजर लीस्ट लेते हैं, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं, इसमें लीस्ट इंटीजर लेते हैं। जैसे 2.3 के लिए इसमें बड़ा इंटीजर लेंगे उससे, देखिए इसको ऐसे डिनोट करते हैं, उसको ऐसे डिनोट करते थे हम, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें से 2.3 है, इसके लिए बड़ा इंटीजर लेंगे, इसको ऐसे डिनोट करते हैं कि ये जो आपका ब्रैकेट में x है वो बड़ा होगा या इक्वल होगा x के। तो 2.3 के लिए क्या होगा? 3। 6.3 के लिए 7, यानी कि बड़ा इंटीजर लिखते हैं उससे। 4.9 के लिए 5, 0.1 के लिए 1, -2.3 के लिए, देखिए यहाँ पे -2 आएगा क्योंकि बड़ा है, -2.3 और -2 में से कौन बड़ा है? -2 बड़ा है, तो -2 आएगा, बड़ा इंटीजर लिखते हैं ना मुझसे। -0.1 के लिए 0। तो मैं समझता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके नंबर सिस्टम का, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है नंबर सिस्टम में। और लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी आपको समझ आ गया, इससे रिलेटेड देखिए कई बार क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको। ऐसे डिनोट किया जाता है कि आपको ये देखिए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो 2 सही 1/3 लिए आपके लिखा हुआ है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसको 6 और 1 7/3 लिखोगे आप, 7/3 करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, आपके पास में आएगा ये 7/3। तो 3 से डिवाइड करोगे उसका आएगा आपके पास में 2.5। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 2, तो मैंने 2 लिख दिया। अब 5 -4/3 लिखा, देखिए इसको सोल्व कीजिए पहले अंदर, तो आप क्या करोगे, आप सोल्व करोगे इसको, तो 19/4 आएगा आपके सामने, तो 4 point something आएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 4, तो मैंने 4 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो 7/3 का लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट तो 2 था, तो 7/3 का होगा आपको, तो क्या आएगा, 2 point something आएगा, 2 point something से बड़ा इंटीजर क्या होता है? 3। तो यहाँ पे 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, तो इसको सिंपली मैथमेटिक्स से हम सोल्व कर लेंगे, 1 आएगा इसका आपका आंसर, ठीक है, समझ में आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। अगला पार्ट में मैं आज शाम को ही डालने वाला हूँ, जल्दी डालूंगा बहुत,
ठीक है, तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू आर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन को ऑन रखें, नोटिफिकेशन आपके पास में तभी जाती है जब आप बेल आइकन ऑन रखते हो।